नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई कहानी भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वाइज फिशरमैन। वाइज वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, फिशरमैन मतलब मछुआरा, बुद्धिमान मछुआरा। तो ये स्टोरी बुद्धिमान मछुआरे की है। तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं। देयर लिव्ड अ किंग हु वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश इन हिज डिनर एवरी डे। देयर देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड रहता था, अ एक किंग एक राजा रहता था, हु जो वॉज था, फॉन्ड शौकीन ऑफ का मतलब किसी चीज़ का शौकीन था, किस चीज़ का, ईटिंग खाने के, मतलब ईटिंग मीन्स खाना, फिश मछली, इन में हिज अपने डिनर अपने जो रात का भोजन होता है उसमें, एवरी डे प्रत्येक दिन। और कह रहा है कि एक राजा था जिसे मछली खाने का बहुत शौक था। फॉन्ड अप मतलब शौक होना। तो एक राजा था जिसे मछली खाने का बहुत शौक था अपने डिनर में प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन। अ फिशरमैन वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग फ्रेश फिश फॉर द रॉयल किचन डेली। अ एक फिशरमैन मछुआरा वॉज ऑर्डर्ड, उसे आज्ञा थी, उसे ऑर्डर दिया जाता था टू को ब्रिंग लाने के लिए, फ्रेश ताज़ा फिश ताज़ा मछलियों को लाने के लिए उसे आज्ञा दी जाती थी। फॉर लिए द रॉयल, रॉयल मीन्स होता है शाही किचन, शाही जो किचन था जहाँ पे खाना बनाया जाता है डेली प्रत्येक दिन। और जब राजा को मछली खाने का शौक था तो इस वजह से एक मछुआरे को मछली मतलब ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लाने के लिए कही जाती थी उस किचन में बनाने के लिए। शाही किचन में रोज़ ताज़ा मछलियों की मांग थी क्योंकि राजा को मछली खाना पसंद था। वन डे चूजिंग द बेस्ट पीसेस द फिशरमैन वेंट टू द रॉयल पैलेस। वन डे एक दिन, चूजिंग मतलब चुनकर, द बेस्ट सबसे पीसेस सबसे अच्छी पीस जो होती है उसको चूज करके लेकर चुनकर फिशरमैन मछुआरा वेंट गया टू को रॉयल शाही पैलेस में, शाही महल गया। जब जो मछुआरा को, तो मछुआरा की एवरीडे की ड्यूटी थी अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश मछलियाँ चुनकर राजा के किचन के लिए पहुँचाना। तो उस दिन भी जो मछुआरा था बहुत ही अच्छी अच्छी पीसेस मछलियों का लेके शाही दरबार गया। रीचिंग द गेट ही आस्क द सेंट्री टू लेट हिम इन। रीचिंग पहुंचकर गेट, जो गेट होता है, जो पैलेस का गेट है, वहां पर पहुंचकर ही वह फिशरमैन मछुआरा आस्क्ड पूछा, कहा सेंट्री, सेंट्री मीन्स होता है पहरेदार को, पहरेदार से कहा टू लेट, लेट मतलब जाने के लिए, हिम उसे, इन अंदर, और उस लेट हिम इन मतलब जाने अंदर जाने के लिए कहा। और उस गेट पैलेस के पास दरबार पहुंच कर उसने सेंट्री से, पहरेदार से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि राजा का दरबार था भाई तो पहरेदारी तो होगी, तो बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे। तो इस वजह से उस फिशरमैन ने उस पहरेदार से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। बट द सेंट्री सेड आई वुड नॉट लेट यू इन अनलेस यू प्रॉमिस टू गिव हाफ द प्राइज ऑफ द फिश टू मी। बट लेकिन सेंट्री पहरेदार सेड कहा, आई मैं वुड नॉट मतलब नहीं जाने दूंगा लेट मतलब अंदर जाना, यू तुम्हें, इन में, इन मीन्स अंदर जाने दूंगा, नहीं अंदर जाने दूंगा, अनलेस मतलब जब तक, यू तुम प्रॉमिस वादा करते हो, टू को गिव देने के लिए, हाफ आधा प्राइस आधा दाम ऑफ का फिश
फिश मछली का टू मी मुझको, और उस पहरेदार ने कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मुझे वादा नहीं करते हो कि तुम मछली का आधा दाम मुझे दोगे, जितना भी तुम्हें पैसा मिलेगा आधा पैसा मेरा होगा। उस पहरेदार ने जो मछुआरा था उससे डील की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मछुआरा है जो मछली लेके जा रहा है, और ये सेंट्री है, पहरेदार है जो इसको रोक रहा है। मतलब इसे अपना स्वार्थ दिख रहा है कि क्यों ना मैं भी इससे कुछ प्रॉफिट कमा लूं। तो वो सेंट्री मोल भाव कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। द फिशरमैन वॉज इन अ फिक्स, इफ ही डिड नॉट गो इन द किंग वुड पनिश हिम। द फिशरमैन मछुआरा वॉज था इन मे अ एक फिक्स, फिक्स मतलब जोड़ना, मतलब यहाँ पे वॉज इन फिक्स मतलब असमंजस की स्थिति में था, कंफ्यूज्ड था। इफ ही डिड नॉट गो इन द किंग वुड पनिश हिम, और इफ यदि ही व डिड नॉट नहीं गो गया, इफ व नहीं गया इन अंदर द किंग राजा वुड करेगा पनिश दंड देगा हिम मछुआरे को उसको। और जो मछुआरा था बहुत ही कंफ्यूज्ड था क्योंकि अगर वो अंदर नहीं गया तो राजा भी उसे पनिश करता, दंड देता। बट इफ ही शेयर्ड द प्राइस विद द सेंट्री ही वुड वेरी लेस मनी। बट परंतु किंतु इफ यदि ही व शेयर्ड, शेयर मतलब हिस्सा देता, हिस्सा लगाता द प्राइस जो दाम है विथ साथ द सेंट्री पहरेदार के साथ, अगर वो उस मछली का दाम उस सेंट्री उस पहरेदार के साथ शेयर करेगा, हिस्सा देगा उसे, ही व उड, उड मीन्स होगा वेरी बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, लेस कम मनी बहुत कम पैसा होगा, क्योंकि उसे तो पैसे कम ही मिलेंगे और उसमें भी हिस्सा लग जाएगा तो उस जो मछुआरा है उसके पास बहुत ही कम पैसा बचेगा। इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया था कि वो क्या करे। So he thought hard over the matter and hit upon a plan. So इसलिए he was thought सोचा hard मतलब बहुत गहराई में जाके, वो गहराई में thought hard मतलब गहराई से सोचा over ऊपर matter इस विषय पर, जो भी चीज़ें हो रही थी उस पर वो बहुत गहराई से विचार किया। And or hit means मारना, upon ऊपर, एक plan एक योजना पर, मतलब उसका दिमाग एक योजना पर टकरा गया, means उसके दिमाग में एक योजना आ गई। Promising the sentry to give him half the price, he went inside. Promising वादा, वादा करते हुए द सेंट्री पहरेदार को टू गिव देने का हिम उसे हाफ आधा प्राइस आधा दाम, ही व वेंट गया इनसाइड अंदर, और प्रॉमिस किया पहरेदार को कि ठीक है चलो तुमको आधा आधा पैसा देंगे, आधा हिस्सा अपने पैसे का देंगे, और वो अंदर चला गया, ही वेंट इनसाइड अंदर चला गया। द फिशरमैन रीच द कोर्ट एंड शोड द फिश टू द किंग। फिशरमैन मछुआरा रीच्ड पहुंचा कोर्ट दरबार पहुंचा एंड शोड मतलब दिखाया फिश अपनी मछलियों को दिखाया टू को किंग राजा को। और जो मछुआरा था अब भाई एक मतलब कि जब पहरेदार उसे इजाज़त दे दिया कि जा सकते हो अंदर तो वो अंदर गया और अपनी मछलियों को राजा को दिखाया। द किंग अप्रूव देम एंड द फिशरमैन हैंडेड देम ओवर टू द रॉयल कुक। द किंग राजा अप्रूव्ड अनुमति दे दी देम, अप्रूव्ड देम मछलियों को अनुमति दे दी, मीन्स कहा कि हाँ भाई ये फ्रेश मछलियाँ हैं, और वो अनुमति दे दिया मछलियों को। एंड वो और द फिशरमैन मछुआरा हैंडेड देम उन मछलियों को ओवर मतलब हैंडेड ओवर मतलब दे दिया टू द को रॉयल शाही कुक, शाही रसोइया था उसे उस मछली को दे दिया मछुआरा। नाउ द किंग सेड टू द फिशरमैन व्हाट डू यू वांट एज द प्राइस ऑफ द फिश। नाउ अब किंग राजा ने सेड कहा टू को द फिशरमैन, सेड टू मीन्स फिशरमैन से कहा, मछुआरे से कहा, व्हाट क्या, डू यू वांट तुम क्या चाहते हो।
डू मतलब है, हूँ, तुम क्या चाहते हो, एज जैसा कि, प्राइस दाम ऑफ का फिश मछली का, मछली के प्राइस मछली का दाम मीन्स मछली के दाम के रूप में तुम क्या चाहते हो। उस राजा ने पूछा व्हाट डू यू वांट एज द प्राइस ऑफ द फिश, तुम्हें क्या चाहिए मछली के प्राइस के रूप में, मतलब मछली के दाम के रूप में तुम्हें क्या चाहिए मीन्स कितना चाहिए जो भी हो पूछा उससे। 50 lashes on my back was the fisherman's reply. 50 lashes, 50 कोड़े on पर my मेरे back, मेरे back के ऊपर मेरी पीठ पर। उसने कहा कि मुझे 50 चाबुक चाहिए, चाबुक मीन्स कोड़े मीन्स मार चाहिए 50 ठो। वॉज था फिशरमैन्स रिप्लाई, मछुआरे का, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा मीन्स मछुआरे का उत्तर, और मछुआरे ने उत्तर दिया कि मुझे 50 कोड़े चाहिए मेरी पीठ पर। द किंग वॉज वंडर स्ट्रक टू हियर द फिशरमैन, द किंग राजा वॉज था वंडर स्ट्रक मतलब अस्तब्ध था, अवाक रह गया, वंडर स्ट्रक मतलब अस्तब्ध रह गया, अवाक रह गया मीन्स चुपचाप, अवाक रह गया मीन्स देखने लगा, शांत पड़ गया। टू हीयर सुनकर, फिशरमैन फिशरमैन की बात को सुनकर वो एकदम शांत हो गया भाई, मतलब उसे अचंभा लगा कि भाई कौन मार, अपनी मेहनत के बदले कोई मार खाना चाहता है। यही चीज़ें सुनकर राजा एकदम शांत पड़ गया, अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया, सुन्न हो गया। बट द फिशरमैन इंसिस्टेड ऑन बीइंग लैश्ड, बट लेकिन फिशरमैन मछुआरा इंसिस्टेड हट करना, मतलब उसके लिए आग्रह करना, इंसिस्टेड मतलब हट करना, आग्रह करना ऑन पर बीइंग लैश्ड मतलब कोड़े खाने के लिए, बीइंग मीन्स होना, लैश्ड कोड़े खाने के लिए आग्रह करने लगा। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सोल्जर्स टू लैश द फिशरमैन, किंग राजा ऑर्डर आज्ञा दी वन एक ऑफ का हिज अपने सोल्जर्स अपने सैनिकों को टू को लैश मारने के लिए, फिशरमैन मछुआरे को मारने के लिए राजा ने अपने सैनिकों में से किसी एक को आज्ञा दी। हैविंग गॉट 25 lashes द फिशरमैन आस्क द सोल्जर्स टू स्टॉप, हैविंग मतलब होता है पाना, पास गॉट मीन्स पाना मतलब पाने के बाद, 25 lashes 25 lashes पाने के बाद द फिशरमैन मछुआरा आस्क्ड कहा सोल्जर से सैनिक से कहा टू स्टॉप रुकने के लिए, और मछुआरे ने जब 25 कोड़े खा लिए फिर उसके बाद सैनिक को कहा कि रुक जाइए। देन ही रिक्वेस्ट द किंग योर मैजेस्टी आई हैव अ पार्टनर, देन फिर ही व रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया किंग राजा से, उसने राजा से प्रार्थना की योर मैजेस्टी मीन्स महाराज आई मैं है पास अ एक पार्टनर एक साथी है, मेरा एक पार्टनर है मेरा एक साथी है। द प्राइस शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन अस, द प्राइस दाम शुड चाहिए बी होना इक्वली बराबर, इक्वली मीन्स बराबर, डिवाइडेड बांटा जाना चाहिए बिटवीन अस हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच जो प्राइस है उसे इक्वली बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए। सो द रिमेनिंग लैसेज मस्ट बी गिवन टू हिम, सो इसलिए रिमेनिंग बची हुई लैसेज जो बची हुए कोड़े हैं बची हुई मार है मस्ट अवश्य बी होना गिवन दिया जाना चाहिए टू हिम उसको। और उसने मछुआरे ने कहा कि मैंने 25 खा लिया और 25 मेरे पार्टनर को मिलना चाहिए उसे अवश्य देना चाहिए क्योंकि वो मेरा साथी है सहभागी है। हु इज़ योर पार्टनर इंक्वायर्ड द किंग, हु कौन इज है योर तुम्हारा पार्टनर कौन है, इंक्वायर्ड इंक्वायर किया जांच पड़ताल की राजा ने, हमारा साथी कौन है राजा ने जांच पड़ताल की। Your sentry was the fisherman's reply. आपका पहरेदार was था fisherman's reply. Fisherman का उत्तर क्या था? Your sentry आपका पहरेदार. On asking the fisherman narrated the entire story and the sentry was lashed and sent to a jail as well. On
पर आस्किंग पूछने पर फिशरमैन नैरेटेड वर्णन किया द एंटायर पूरी स्टोरी पूरी कहानी को का वर्णन किया कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उसने अपना हिस्सा मांगा, ये सब चीज़ें जो मछुआरा था उसने राजा को बताई। एंड और सेंट्री सेंट्री जो था पहरेदार वाज लैस्ड उसे कोड़े मारे गए एंड और सेंट भेज दिया गया टू जेल जेल में एज वेल भी सेंट्री था उसे भी कोड़े मारे गए हैं और उसे जेल भी भेज दिया गया। तो मॉरल क्या है, मॉरल है विजडम कैन गेट जस्टिस। मॉरल विजडम मीन्स होता है बुद्धि बुद्धिमानी, कैन सकना गेट पाना जस्टिस न्याय। अगर हम कहीं फंस गए हैं तो अपने अकल का यूज़ करेंगे, अपनी बुद्धि का यूज़ करेंगे तो कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा, जिस प्रकार मछुआरे ने अपना रास्ता निकाला। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पहरेदार है सेंट्री उसे जेल में ले जाया जा रहा और ये मछुआरा है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।